रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल एक बार आपका फिर से बहुत स्वागत करता है। आज हम एक सेट है जो उसकी पीसीबी है रियलमी, कौन सा रियलमी रेडमी 3S है। इसका मैं पावर आईसी का बूट सीक्वेंस बताने जा रहा हूं आपको। तो चलिए हम इसको चालू करते हैं और किस तरह से, और जो इसमें आईसी है वो है PM8937 क्वालकॉम की है ना, क्वालकॉम की PM8937 आईसी है। और ये आपको इसका मैं चार्ट डायग्राम वगैरह से लेकर स्केमेटिक तक सारी चीज़ें कराऊंगा। तो ये मैं अभी इसको आपको इसको चेक कराता हूँ किस तरह से पीसीबियाँ काम करती हैं। तो हमारे पास जो है वो है बेसिकली 8937। अब देखिए पावर आईसीओ का काम मैं पूरा क्लियर करा रहा हूँ, पावर आईसी कैसे काम करती है, क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर होगा आपका चार्जिंग कनेक्टर, ये होता है चार्जिंग कनेक्टर। इससे जो लाइन जाती है डीसी टू डीसी आईसी वीबस होता है, तो उसको उस ट्रैक को वीबस कहते हैं। इसके अलावा होता है बैटरी कनेक्टर जिससे वीवेट लाइन जाती है, तो ये डीसी टू डीसी आईसी पर जाती है। डीसी टू डीसी आईसी को हम चार्जिंग आईसी भी कहते हैं। चार्जिंग आईसी से वीपीएच 3.7 टू 4.2 वोल्ट के आसपास क्या होता है वीपीएच लाइन जाती है पावर आईसी पर, इसको हम कहते हैं डीसी टू डीसी आईसी। डीसी टू डीसी आईसी बेसिकली चार्जिंग आईसी बीक्यू की हो सकती, कोई भी हो सकती। भाई चुप हो जाओ यार, डिस्ट्रिक्ट लैब से बाहर चले जाओ। इसके बाद बारी आती है पावर स्विच, ये होता है जिससे हम इसको ऑन करते हैं। ये होता हमारा पावर आईसी 8937 का बूट सीक्वेंस जो हमने खरीदा हुआ है, वो मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ किस तरह से इसका बूट सीक्वेंस काम करता है। तो आइए चलते हैं कैसे क्या होता है, अभी मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले S4, S3, L3, S2, S5, L5 क्लॉक, फिर पावर ऑन रीसेट, फिर PS होल्ड, फिर L7, L2 V रेफरेंस वोल्टेज, फिर L3, L8 और LC12 और फिर आपका L12 और L11 कैसे काम करता है क्लियर कराता हूँ। यह CPU से कैसे कनेक्टेड होती है और ये यहाँ पर आपकी पावर आईसी से किस तरह से पावर आईसी EMMC से कैसे कनेक्ट होती है, एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड। तो हम इसको पूरा समझाते हैं, पूरा समझेंगे किस तरह से काम करता है। ये मैं पहले आपको स्कीमेटिक में ले चलता हूँ, वहाँ समझाऊंगा। रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल से ये लाइव सेशन है, बहुत जल्दी हम सारी चीज़ें और अपग्रेड करने वाले हैं और बहुत एडवांस चीज़ों को लैब में हम लेके आएंगे। अगर आपको एडवांस पढ़ना है कहीं भी 60-70 हज़ार रुपये आप वेस्ट मत करिए। नॉर्मल फीस में हम पूरी चीज़ें एक A to Z कराएंगे, हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर। और उसके लिए आप मेरे नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। जिस तरह से बूट सिक्वेंस में चार्जिंग आईसी का, पावर आईसी का, एक एक आईसी का बूट सीक्वेंस कराऊंगा, कम से कम 30 से 40 आईसीओ के बूट सीक्वेंस डालूंगा, उसको आप देखें। नहीं आ सकते खुद पढ़ें, सारी चीज़ें करें, कैसे क्या होता है मैं सारा करता हूं। देखिए S4 से लेकर S5 तक अगर कोई वोल्ट मिस है और अगर आप ये इस मतलब मोबाइल को यूज़ करेंगे और डीसी टू डीसी जो आपकी मशीन है उससे अगर आप चेक करेंगे, तो सबसे पहले अगर 0.50 एम्पियर तक डीसी रोक रहा है तो मतलब ये L5 तक के वोल्टेजों में कहीं दिक्कत है। अगर 100 से 150 तक जा रहा है, वहाँ उसके बाद स्टक हो रहा है, तो फिर आपको ये आगे के वोल्टेजेस चेक करने होते हैं, ठीक है। मतलब PS होल्ड और ये क्लॉक, अगर PS होल्ड नहीं बन रहा तो मैं समझाता हूँ क्या होगा। फिर L2 VRAP, L3 L18, L8 L12 यहाँ तक के कोई वोल्टेजेस में दिक्कत है तो वो मैं आपको बताऊँगा किस एम्पियर तक जाएगा। अब L11 तक अगर कोई वोल्टेज पूरा बन रहा है, उसके बाद भी अगर आपका मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है या डिस्प्ले नहीं दे रहा है, या तो सॉफ्टवेयर में अटकेगा या रीसेट होगा तो सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर उसके बाद 2.80 L11 जो बूट सीक्वेंस है वहाँ तक जा रहा है, उसके बाद भी क्या नहीं हो रहा है, मोबाइल ऑन नहीं हो रहा, तो CPU और MMC के बीच के सारे कनेक्शन आपको चेक करने होंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर सारा बूट सीक्वेंस, सारी चीज़ें किस तरह से होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, आप यहाँ पर दिखाइए S4, देखिए ये S4 है, ये S4 जा रहा है पावर, ये दिखाऊंगा कहाँ पे जाता है। कैपेसिटर लगा है इसका, कैपेसिटर है C081, ये ढूंढ के दिखाओ कौन सा कैपेसिटर है। ये देखिए यहाँ पर हम सर्च पे गए, मेरा हाथ मत हिलाओ, C0811 एंटर करो। अब जैसे ही आप करेंगे ये कैपेसिटर यहाँ पे आ जाएगा और इस कैपेसिटर पर आपको वोल्टेज क्या करना है, 2.0 वोल्टेज चेक कर लेने। अगर यहाँ पर 2.0 वोल्ट नहीं आ रहे हैं तो आपकी पावर आईसी आपको क्या है, चेक करनी पड़ेगी, दिक्कत में है, पावर आईसी चेंज करनी पड़ेगी। इसके बाद S3 पर 1.3 वोल्ट, S3 1.3 निकालो, मिल गया। एक मिनट मुझे दिखान तो दे, ये S3 153 नंबर पिन पे है और ये जा रहा है देखिए कॉइल के थ्रू, रुक, L0803 कॉइल है,
और ये वी रहे, ये आपका आ रहा है कैपेसिटर, आपको चेक करना होगा C809। ये हमने यहाँ पर सर्च पे जा डाला C809। क्या है C0809 और C0810 भी है। एंटर करो, दे आ गया है। ये देखिए, ये कैपेसिटर आ गया आपका C0809। C0810 भी यहीं पर कहीं पर होगा, वो भी हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, इसी के आगे होगा, वो देखते हैं। इसके बाद L3 1.2 वोल्ट, मैं भी ये पूरे वोल्ट आपको समझाऊंगा एक एक चीज, करीब करीब ये आधा 45 मिनट का वीडियो होगा, तो वीडियो लंबा होगा, मैं पहले आपको बता देता हूँ। इसके बाद पहले सारे वोल्टेज आपको दिखा दूँ, चलिए वोल्टेज भी चेक कराते चलो भैया। सबसे पहले S4 पे दिखाओ 2.0 वोल्ट। L क्या है सर? L3। एक मिनट पहले वोल्टेज चेक कराने मल्टीमीटर पे, ये देखिए वो कंडेंसर पे ढूंढ लिया वाला कंडेंसर 2.0 2.2, थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं। अगला वोल्टेज चेक कराओ 1.3 वोल्ट, चलो 1.3 वाला कंडेंसर ढूंढो, 1.3 वाला कंडेंसर S3 1.3 वोल्ट, C0 ढूंढो इसको, C0809 ढूंढा तो ये चल लगा उस पर कंडेंसर पे लगा, ये देखिए 1.3, ठीक है। तो ये आपके कंडेंसरों पर वैल्यू मिलती जा रही है, और हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद आप देखिए L3 कॉइल पे भी मिल जाए, कॉइल पे चेक करा दिया करो यार, कॉइल पे सही रहता है। चलिए अगला चेक करिए L3 1.2 वोल्ट, ये कैपेसिटर पे आएगा, तो कॉइल पे करा देना था चेक, मालूम गलत चेक करा दिया, चलो कोई बात नहीं। L3 1.2 C0903 यहाँ पर आएगा 1.2। चेक करा सही से लगा, ये आ रहा है 1. सही से लगा, और वोल्टेज रुक क्यों नहीं रहे, देखना तू लगाना। सही से लगा भाई, आ तो रहा, आ गया दबाना, केवल दबाना, आ गया आ गया, ठीक है। तो 1.2, अगला S2 चेक कराओ, ये भी 1.2 है, ये भी 1.2 है, क्या दिया सर? S2 S2 1.2 1.2 है, ये कॉइल लगी है, हाँ कॉइल, कॉइल से ही जाएगा, कॉइल पे ही चेक करा दो, कॉइल पे है, कॉइल ही पे आ रहा है। 1.2 चेक कराओ, वो आ रहा था 1.2, ठीक है। अगला चेक कराओ S5, ये भी 1.2, ये भी 1.2, ये कॉइल लगी कॉइल के थ्रू, कॉइल के थ्रू, हाँ S5 है ना, 1.2 पकड़ना, ये ऑपरेट करना ऐसे बिल्कुल नॉर्मल करना, ये भी हम चेक करा रहे हैं। अरे इधर दिखाओ ना यार, बोर्ड पे रखो ना जहाँ ये ले जाए, कॉइल पे चेक कराना है ना, ये देखिए यहाँ चेक करा वहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे रखा मैंने 1.2, इस पर लगाओ, ये 1.2 उसमें दिखाओ मीटर पे, ये 1.2। अगला चेक कराओ L5 1.8 वोल्ट, वहीं रखना, ये जाएगा कैपेसिटर पे, कैपेसिटर का नंबर बताना, C0905 C0905 एंटर, ये क्या लिखा दिया, दिखाना कैपेसिटर, दिखाना यहाँ वैल्यू, दिखा 1.8 दिखा दिया, ये यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे दिखाओ, ठीक है आगे, एक मिनट आगे दिखाओ, अब सिर्फ मीटर पे रखो, फटाफट करो, बहुत लंबा हो रहा वीडियो। इसके बाद होता है क्लॉक,
और ये रुक जाओ, क्लॉक जाता है 19.2 मेगाहर्ट्ज़ का सीपीयू पे, तो सीपीयू यहाँ से पावर और आरएसटी वापस इसको देता है, ठीक है। सॉरी, क्लॉक सिग्नल जनरेट होते हैं, फिर आता है पावर ऑन रीसेट जो सीपीयू पे जाता है, तो सीपीयू पीएस होल्ड निकालता है, ठीक। इसके बाद L7 पे 1.8 वोल्ट चेक करा दो। C0907 कितना आ रहा है? 1.7। ये कैपेसिटर लगा के कितना रहा? 1.8 1.8 ना, कितना दिखा रहा है? इसका टेस्टिंग पॉइंट भी है क्या? नहीं सर। चलो वो वहाँ पे दिखा रहा 1.8। चलिए अगला करिए, फटाफट लगाते जाना, बहुत देर हो रही है। L2 हो गया? L2 नहीं हुआ। L2 होगा 1.8। L2 जे है और इसका जे कैपेसिटर है C0902। फटाफट इस पे चेक करा भैया, 1.8 रख दिया। हाँ ये देखिए, ये ढूंढ ला, कंडेंसर मिल गया। हाँ ये 1.8। अगला चेक कराओ, वी रेफरेंस वोल्ट 0.6। ये है आपका वी रेप वोल्ट, रेफरेंस वोल्ट 0.6 दिखा दिया। टच कर उस पर, ये कैपेसिटर पे 0.6। अगला L13 3.0 वोल्ट, ये भी कैपेसिटर पे L13, ये रहा 29 पे। फटाफट किस पे है? जी है सर, C0913। ढूंढ जल्दी ढूंढ C0913 कैपेसिटर। हाँ मिल गया, C0913 कितना? 3.0 मिल रहा है। ये देखिए 3. ऊपर नीचे क्यों हो जा रहा है हल्का सा? चलो ठीक है, अगला L8 2.8 वोल्ट। L8 2.8 वोल्ट C0923 ये आएगा 2.8। ये लेगा 923 C0923 2.8, ठीक है। L12 2.8, L11 2.8 वोल्टेज दिखा दीजिए। L12 और L11 2.8 2.8। ये पूरा अपन पूरा भी सेटअप जब बनाएंगे ना, उसमें सारी चीजें C0930 यहाँ भैया सेट होगा। 2.8 वोल्ट आना चाहिए, 2.8 वोल्ट मिल गया। कैपेसिटर, ये कैपेसिटर लिखा, क्या नंबर है? C0930 2.8 चेक कर, लगाओ ना उसमें पीसीबी में, पीसीबी में लगाओ जल्दी। हाँ ठीक, L11 2.80 L11 C0925 पीसीबी में चेक करो। C0925 और वोल्टेज लगाओ इस पर, ढूंढो कहाँ है। 2.8 आ गया वोल्टेज। अब मैं आपको एक बार फिर से सारी चीज़ें समझाता हूँ, क्लियर करता हूँ कि किस तरह से सारा काम होता है। तो सबसे पहले समझ लीजिए भैया, सब देख लो क्लास वाले, जिसको नहीं समझ में आ रहा समझना, ठीक नहीं निकल लो क्लास से। अब ये यहाँ पर देखिए, ये हमारी जो पावर आईसी है, इसका कंसेप्ट क्या है? उठ के इधर आना, देखना पावर आईसी का क्या कंसेप्ट है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले अब DC-to-DC आईसी, ये BQ सीरीज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अभी मैं जब आपको आगे समझाऊंगा कि पावर आईसी के अंदर ही जब चार्जिंग आईसी होगी तो क्या कंसेप्ट होगा। अब यहाँ पर आप बैटरी लगाओ या आप कनेक्टर लगाओ। अब अगर मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है तो बैटरी लगाने से तो कुछ होना नहीं, आप दबाओगे तो भी नहीं होगा, तो आप चार्जिंग कनेक्टर को यहाँ पर क्या करो, लगाओ। चार्जिंग कनेक्टर को लगाने के बाद ये डेड, हम बूट डेड केस का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो DC-to-DC आईसी है, यहाँ से 3.7 BPH वोल्टेज क्या करती है, आउट करती है, ठीक है। अब ये पावर स्विच ऑन नहीं हो रहा तो कहानी खत्म। इसके अलावा अब ये DC-to-DC आईसी खराब है, BPH वोल्टेज नहीं निकल रहा, इस पर बहुत जल्दी वीडियो डाल रहा हूँ।
ये बैटरी कनेक्टर से वोल्टेज आगे नहीं बढ़ रहा, इस पर बहुत जल्दी वो वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। 60-65 हज़ार कहीं खर्च करने की ज़रूरत नहीं है आपको, जो एक्चुअल सीखना चाहते हैं नॉर्मल चीज़ों में हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ कैसे बनती है मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। मेरा लैपटॉप का काम किया हुआ है, लैपटॉप का चार्जिंग सेक्शन से लेकर सारे काम है मेरे पास, ठीक है। तो आपको किसी भी तरह की मोबाइल तो इसके आगे बच्चा है, कोई बहुत बड़ी चीज़ है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पावर आईसी है, ये पावर आईसी पर, अब इस पावर आईसी का नंबर है 8937, तो इसका जो बूट सीक्वेंस है वो मैंने निकाला हुआ है कि पहले क्या, पहले क्या, पहले क्या, उसके बाद क्या। तो अगर ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो यहीं पर कहानी आपको समझ में आ जाएगी। अब आप पावर बदलते रहो, MMC बदलते रहो, CPU बदलते रहो, जब तक ये सीक्वेंस नहीं पता है, मोबाइल खोल देने से, मोबाइल बंद कर देने से कभी कोई सीखा है क्या? जब तक ये नहीं आएगा दुनिया में कोई नहीं सीख सकता। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पर आपको बताता हूँ कि क्या कैसे होता है। इस पर रखते जाना, जैसा बोलूँ वैसा करते जाना, इससे वीडियो को हिलाना मत, जहाँ जहाँ बोलूँ वहाँ वहाँ दिखाते जाना, यहीं पर रखना और इस पर रखना, जब जैसा बोलूँ वैसा करना, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए, DC to DC IC को हम चार्जिंग IC भी कहते हैं। इस पर सप्लाई या तो बैटरी से आएगी या फिर क्या होता है, चार्जिंग से आती है। बैटरी लगी है तो पावर बटन प्रेस करना होगा, चार्जर लगा है तो पावर बटन प्रेस करना नहीं होगा। अब अगर ऑन ही नहीं हो रहा है तो पावर बटन प्रेस करने का कोई मतलब नहीं, तो चार्जिंग कनेक्टर लगाएं। फोन डेड है तो पावर बटन से ऑन नहीं होगा, तो हम चार्जर लगाकर चेक करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम चार्जर या बैटरी लगाते हैं, DC to DC IC यहाँ से, ये DC to DC IC यहाँ पर VBUS है, तो ये यहाँ पर BPH 3.7 से 4.2 वोल्टेज VPH वोल्टेज निकालती है। आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम इन्वर्टर, वॉल्यूम फेज होलोग्राफिक ग्रेटिंग्स, ठीक है। तो यहाँ से ये वोल्टेज निकल के क्या होता है, पावर। पावर खोलो, यहाँ पर पावर का इनपुट दिखाओ, यहाँ पे खोलो, स्कीमेटिक पे बहुत सारे इनपुट होंगे। अब BPH पावर इज ए इनपुट वोल्टेज, ठीक है। बैटरी VBAT या BPH पावर स्टार्ट हो तो ऑटो एम्पियर लेगा, तो इसका मतलब है BPH पावर या VBAT में शॉर्टिंग है। इस पर जल्दी वीडियो डालने वाला हूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ दिखाओ। अब आपने मोबाइल पे क्या किया, चार्जर लगाया, बैटरी लगाई, वो तो आप पता नहीं चलेगा। आपने DC to DC मशीन लगाई, जैसे ही DC to DC मशीन लगाई वैसे ही मोबाइल ने क्या लेना चालू कर दिया, एम्पियर लेना। अगर मोबाइल ऑटो एम्पियर ले रहा है तो इसका मतलब कहाँ दिक्कत है, VBAT या BPH पावर स्टार्ट है और ऑटो एम्पियर ले रहा है, मतलब इन सेक्शनों में दिक्कत है, क्योंकि ऑटो एम्पियर इन्हीं के कारण लेगा, क्लियर। यही लैपटॉप में होता है कि हम अडाप्टर लगाते हैं, लैपटॉप ऑटो एम्पियर लेना चालू कर देता है। तो वहाँ पर मैंने तुम्हें पूरा समझाया हुआ कैसा है, जो लैपटॉप वाले बैठे। अब पावर आईसी पर BPH जाएगा तो कई सारी इनपुट पिंस जाएंगी, ये देखिए ये सारी इनपुट पिंस है इसकी, ऊपर करो, ये पूरी इनपुट पिंस है इसकी, अच्छे से दिखा, ये सारी इनपुट पिंस है, ठीक है। पावर आईसी पर दो सेक्शन होते हैं, एक होता है बैक सेक्शन, बक सेक्शन और LDO सेक्शन। बक सेक्शन और LDO सेक्शन पर अलग से वीडियो डालेंगे। LDO सेक्शन पर कैपेसिटर लगे होते हैं, बक सेक्शन पर हमेशा कॉइलें लगी होंगी। LDO पर भी एक वीडियो बहुत जल्दी हम लाएंगे। अब BPH के बाद पावर आईसी देखिए क्या क्या आउट करती है। सबसे पहले S4 बनेगा 2.0, जो मैं चेक करा चुका हूँ, ठीक है, कॉइल पर बनेगा और एम्पियर ज़्यादा बनेगा। तो बक कॉइल जो क्या होती है, क्या करती है, वोल्टेज को गिराती है लेकिन एम्पियर बढ़ा देती है। बक कॉइल वोल्ट कम करके एम्पियर बढ़ाती है, और जो बूस्ट कॉइल है वो क्या करती है, बूस्ट कॉइल क्या करती है, वोल्ट बढ़ाती है, एम्पियर गिराती है। S4 ना मिले तो पावर आईसी चेंज करना है, सुन लिया। S4 ऑन करके अब S3 को ऑन करेगा, जो S4 है अब इसके बाद ये क्या होगा, ये किसी में वापस जाएगा और S3 को ऑन करेगा। S4 मतलब पावर पे जाता है। S4 ऑन करेगा अब S3 को 1.3 बक कॉइल पे। S4 वापस पावर आईसी को क्या करेगा, S4 वापस पावर आईसी पर आ जाता है, ठीक है। अगर S4 मिल रहा है और S3 पर वोल्ट नहीं मिल रहा है तो भी पावर आईसी आपको क्या करना है, चेंज कर दो वोल्ट, क्लियर। अरे यश, वो वाशु को फोन लगा ले, बार बार फोन कर रहा मेरे फोन पे, उसको मना कर दे, फोन नहीं लगाए। अब इसके बाद हमें कहाँ जाना है, यहाँ पर दिखाते रहना भैया, S3 S4 सारी जो चीज़ें चल रही हैं एज इट इज प्रॉपर। अब इसके बाद क्या होता है कि S4 के बाद S3 अब L3 को ऑन करेगा, जो S3 है यहाँ पे दिखाओ, S3 अब L3 को ऑन करेगा 1.2 वोल्ट। S3 अब L3 को ऑन करेगा, ये L3 वोल्टेज CPU के लिए इंटरनल मेमोरी को जाता है, किसके लिए जाता है, इंटरनल मेमोरी को जाता है। S3 S4 वापस कहाँ जाते हैं, पावर आईसी पे।
अगर यह वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो सीपीयू डेड होगा और इस कंडीशन में पावर आईसी चेंज करनी होगी। L3 अब ऑन करेगा S2 को। अब L3 के बाद क्या ऑन होगा? S2। S2 कहाँ मिलेगा? कॉइल पे। L3 कहाँ मिलेगा? कैपेसिटर पे। यह सीपीयू का कोर वोल्टेज है। अच्छा बता दिए। L2 के बाद, अब L2 के बाद क्या होगा? S5। L2 जो वोल्टेज है S5 को ऑन करेगा 1.2 वोल्ट। यह भी सीपीयू का वोल्टेज है। यह भी कहाँ जाएगा? सीपीयू पे। S5 अब L5 को ऑन करेगा। S5 अब L5 को ऑन करेगा 1.8। ये अब तक जितने वोल्टेज हमने पढ़े डीसी लगाने पर L5 तक, अगर 50 मिली एम्पियर तक आ रहा है और 50 मिली एम्पियर पर डीसी मशीन अटक जा रही है तो इसका मतलब इस सेक्शन L5 तक की दिक्कत है। इन सेक्शनों में आपको क्या करना है? पावर आईसी और इन सबको चेक करते हुए जाना है। मतलब ये L5 तक की दिक्कत है। क्लियर है? L5 अब ऑन करता है L7 को और दूसरा क्रिस्टल को ऑन करता है। L5 क्रिस्टल और L7 दोनों को ऑन करता है। क्लॉक सिग्नल और L7 1.8 वोल्ट होगा। ठीक है, 1.8 वोल्ट L5 ये एनालॉग सिग्नल को ऑन करता है। अब होगा 1.8 वोल्ट यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। सेकेंडरी शॉर्टिंग L5 के कारण ही आती है। जो L5 है यहाँ पर देखिए, L5 जो L5 वोल्टेज है यहाँ दिखा L5 ये ऑन करता है। अगर ये ऑन करता है यहाँ से, अगर L5 क्या है? L5 के कारण और सेकेंडरी शॉर्टिंग आती है। क्रिस्टल ऑन होने के बाद, जैसे क्रिस्टल ऑन होगा, ऑन होने के बाद पावर ऑन रीसेट, पावर ऑन रीसेट, पावर ऑन रीसेट क्या होगा? बनेगा पावर ऑन रीसेट सिग्नल जनरेट करेगा पावर आईसी, मतलब सिग्नल ऑन करेगी पावर ऑन। ठीक है, L5 ऑन करती है पावर ऑन रीसेट। L7 अगर पावर ऑन रीसेट पर 1.8 वोल्ट, या आप टीपी पॉइंट पे भी क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर पावर ऑन रीसेट टेस्ट पॉइंट पर 1.8 मिल रहा है तो ऊपर के जितने भी वोल्ट हैं S4, S3, L5, S2, S5, L5 ये सब क्या है? ओके। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 1.8 वोल्ट आपको मिल जा रहा है तो इसका मतलब ऊपर के सारे वोल्ट क्या हैं? ओके। पावर ऑन रीसेट मिल गया, मतलब सारी चीजें ऊपर की ओके हैं। अब सीपीयू पीएस होल्ड, अब सीपीयू यहां से क्या करेगा? पीएस होल्ड आईसी के लिए रिवर्स सिग्नल आउट करेगा। यहां से क्या जाएगा? पीएस होल्ड पावर आईसी के लिए रिवर्स सिग्नल जाएगा। अब सीपीयू पीएस होल्ड पावर आईसी के लिए रिवर्स सिग्नल जैसे ही जाएगा, पीएस होल्ड रिलीज हो रहा है तो 50 एम्पियर से आगे निकल जाएगा सीपीयू। अगर यहाँ से पीएस होल्ड सीपीयू द्वारा निकल गया तो जैसे ही डीसी, अगर मोबाइल में दिक्कत है तो डीसी पर 50 मिली एम्पियर के ऊपर डीसी क्या होगी? जाना स्टार्ट कर देगी। अब एम्पियर आपका 100 से 150 एम्पियर तक जाने लगेगा। मतलब पावर आईसी की बेसिक रिक्वायरमेंट और सीपीयू की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या हो गई? यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ये जो यहाँ तक की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर हो गई कहानी? तो 100 से 150 एम्पियर पर अगर आपका डीसी रुक रही है तो मतलब यहाँ तक की रिक्वायरमेंट पूरी, अब हमें आगे जाना है। पीएस होल्ड के बाद L2 वोल्टेज रिलीज होगा 1.2 वोल्ट। ये यहाँ पर 1.2 है, कैपेसिटर पे जाएंगे। यह वोल्ट रैम और MIPI, रैम दिखाओ, रैम और MIPI पर जाएगा। LPDDR लो पावर डबल डाटा रेट इसका फुल फॉर्म होता है, LPDDR। ठीक है, तो ये वोल्टेज किसके लिए है? रैम और MIP, MIPI के लिए। अब वी रेफरेंस वोल्ट, अब देखिए वी रेफरेंस वोल्ट 0.06 वोल्ट। अगर ये वोल्टेज रिलीज हो रहा है, और ये भी EMMC के लिए जाएगा, कहाँ जाएगा? ये दिखाइए, EMMC के लिए जाएगा। रैम EMMC के लिए 3 वोल्ट जाते हैं, वी रेफरेंस 0.06, VCC 1.2 और VCQ 2.8 वोल्ट। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं हम नोट L5 तक ओके है तो अंडर 50 एम्पियर से क्या होगी? ऊपर जाए L5, फिर से समझा देता हूँ। L5 तक अगर ओके है तो 50 मिली एम्पियर तक क्या होगा? आपका डीसी दिखाएगी। अगर पीएस होल्ड है तो 50 मिली एम्पियर के ऊपर जाएगा। पीएस ऑन रीसेट ओके है, पावर ओके है तो 1.8 नहीं मिल रहा है। अगर आपका पीएस होल्ड ओके और 1.8 नहीं मिल रहा तो क्रिस्टल या L5 सप्लाई में कहीं क्या हो सकती है? प्रॉब्लम हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद की जो कहानी है वो आगे अब ज़्यादा नहीं है, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब आपका होता है पीएस होल्ड, अगर पावर आईसी पर मिल रहा है तो 50 एम्पियर के ऊपर जाएगा। पावर ऑन रीसेट मिल रहा है लेकिन सीपीयू पावर ऑन पीएस होल्ड नहीं निकाल रहा है तो सीपीयू को देखें। अब L2 VREF रेफरेंस वोल्टेज, ये दोनों रैम के लिए होते हैं। ठीक है,
L13, ये रेफरेंस वोल्टेज 0.6 रैम के लिए, L13 3.0 होगा, यह USB के लिए। अगर USB नहीं है तो आपका क्या होगा, पोर्ट नहीं बनेगा, मतलब जो मोबाइल को कनेक्ट करते हो वो वहाँ पर दिक्कत आने लगी, कंप्यूटर से मोबाइल कनेक्ट नहीं होगा। अगर U13 नहीं है तो पावर IC में प्रॉब्लम है। L18 2.8 वोल्ट, ये EMMC EDL क्वालकॉम में EDL मोड पे लेते हैं तब ये वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकर जाता है कनेक्ट करता है। EDL यानी होता है इमरजेंसी डाउनलोड मोड। फिर होता है L12, ये MSM पैड ग्रुप 2 SDC2 CPU के लिए वोल्टेज होता है, पावर को चेंज करे नहीं मिल रहा है तो ये वोल्ट भी पावर IC के कारण दिक्कत करता है। फिर होता है L11 2.80, ये MOSFET पर मिलता है L11, ये भी कंडेंसर पर, ये भी, ये आपके टोटल इस IC का पावर सीक्वेंस होता है। अब मैं फिर से एक बार कंक्लूजन पे आ जाऊँ, अंडर 15 एम्पियर है, पावर ऑन रीसेट पर 1.8 वोल्ट नहीं है तो ऊपर की सप्लाई चेक करें, पावर IC क्रिस्टल को चेक करें, 50 एम्पियर से ऊपर जाकर होल्ड हो रहा है तो PS होल्ड नहीं है तो CPU को चेक करें, PS होल्ड मिल रहा है CPU की पावर सप्लाई बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। LSL 11 ये सारी सप्लाई CPU EMMC के लिए L11 पर 2.8 मिल रहा है और मोबाइल ऑन होकर हैंग रीसेट लोगों पर आकर अटक रहा है तो ठीक है। अब देखिए ध्यान से, L12 L11 ये सारी सप्लाइयां मिल रही है, उसके बाद भी आप इस कंडीशन पे आपका मोबाइल ऑन होगा ही होगा, नहीं ऑन हो रहा है तो CPU और EMMC दिखाओ, EMMC इनके बीच की सप्लाइयों को चेक करें। इस कंडीशन में हैंग होना, रीसेट होना, लोगों पे अटकना, इस सब की समस्या आ सकती है अगर ये वोल्टेज मिल रहा है तो। ये आपका पूरा जो आपका पावर IC का सीक्वेंस था, आपकी जो IC थी वो थी आपका कौन सा 8937 IC, मैंने आपको स्केमेटिक पे समझाया, मैंने इसका बूट सीक्वेंस आपको बताया। ये पूरा हिंदुस्तान के अंदर आप चले जाइए, 3-4 जगह पर ही कहीं होगा, बाकी किसी इंस्टीट्यूट के बस की बात ये नहीं है कि इस लेवल पर आपको पढ़ा सके, पावर सीक्वेंस समझा सके। इसका जैसा ही ठीक मैं लैपटॉप की एक एक पावर सीक्वेंस समझाता हूँ, लैपटॉप पर एक एक चीज़, ये दिखाओ इधर, लैपटॉप पर भी एक एक चीज़, एक एक पावर सीक्वेंस क्लियर कराऊंगा जब तक आपको समझ में ना आ जाए। ये आपका पूरा स्केमेटिक, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल, थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। जो इंस्टीट्यूट बोलता है सिर्फ थ्योरी प्रैक्टिकल की ज़रूरत है, वो टोटल कुछ नहीं जानता, उसको कुछ नहीं आता। आपको मैंने सारा सामने करके दिखा दिया है, एक एक चीज़, एक एक आईसीओ का पावर सीक्वेंस डालूंगा, बूट सीक्वेंस डालूंगा, जो दिक्कत जो परेशानी वो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये मोनू धारीवाल को नंबर दे देना मेरा, ये आपको इस तरह से आपको इसमें सारी चीज़ें करनी है। इसको एक मिनट नंबर दे दो, तो अगले वीडियो पर हम और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे और इस तरह से मैं सारे सीक्वेंस, सारे बूट सीक्वेंस डिस्प्ले बोर्ड पर हम कोशिश करेंगे अगला वीडियो बनाएं और सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ वहां पर सारे डिजिटल एडवांस कैमरा, डिजिटल एडवांस DC मशीनों को लेकर सारा काम कराएं और सारी चीज़ें एडवांस मिलेगी आपको, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं मिलेगी, सॉफ्टवेयर से लेकर हार्डवेयर से लेकर एक एक चीज़, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है आपको, नॉर्मली हमें ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल से ये लाइव सेशन था। स्कीमेटिक डायग्राम, चार्ट डायग्राम, बोर्ड व्यू बहुत छोटी सी बात है, ये बूट सीक्वेंस बहुत छोटी सी बात है, जितना हुआ मार्केट में इन लोग बना रहे हैं, जितना इसको हाइप दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप आएंगे नॉर्मली 10 दिन में एक एक सर्किट, एक एक चीज़, एक एक क्लियर सारा पुर्जा आपको क्लियर कर दूंगा, क्या स्कीमेटिक होता है, क्या सर्किट होता है। ये होता है स्कीमेटिक, सर्किट, बोर्ड व्यू, चार्ट व्यू, स्कीमेटिक डायग्राम से लेकर सारी चीज़ें, एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करके दूंगा। थैंक्स।